तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह, मेरे इस चैनल टेक्नोलॉजी माइंड में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स पर क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र द्वारा आने वाली बैड नोटिफिकेशन को कैसे बंद किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बात आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सप्लेन करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये नोटिफिकेशन आते कहाँ से हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग ये तो ब्लॉक कर दोगे कि ये नोटिफिकेशन कैसे ब्लॉक किए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ समझना बिल्कुल ज़रूरी है कि ये अप्लीकेशन आते कहाँ से हैं, नोटिफिकेशन आते कहाँ से हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है? जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसी टॉपिक पर पहले मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो होते हैं, ये आते हैं, आते कहीं से नहीं ना, ये आप ही बुलाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं कैसे। तो दोस्तों, होता क्या है बेसिकली, आप कभी भी गूगल्स पे या क्रोम ब्राउज़र पे जब विज़िट करते हैं और इन वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, तो ये प्ले होने के लिए अलाउ मांगती है। तो जैसे ही आप इन पे अलाउ करते हैं, तो होता क्या है, आपका जीमेल जो होता है इनकी वेबसाइट से लिंक हो जाता है। तो जब इन आपका जीमेल जब इनकी वेबसाइट से लिंक हो जाता है, तो होता क्या है बेसिकली, जब इन वेबसाइट्स पे कोई भी वीडियोस या फिर कोई भी इमेजेस अपलोड किए जाते हैं वेबसाइट्स द्वारा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती है। तो होता क्या है सिंपली, भाई लोग हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अपना डाटा खोलते हैं, तो अनाप शनाप उल्टे सीधे मैसेज सबके में शो होने लगते। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है, हाथ से उंगली से हटा के स्लाइड कर देते हैं। तो दोस्तों, उस वक्त तो ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर बाद में जब कभी भी डाटा ऑन होता है या फिर जब हम लोग ऑन करते हैं, तो फिर से ये नोटिफिकेशन आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? तो चलिए इस वीडियो में इसी बारे में बताएंगे कि इसको परमानेंटली बंद कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमानेंटली बंद कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स होती हैं मोबाइल में और उसकी मदद से आप बंद कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं और वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली दोस्तों, हम लोग आ गए अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो चलिए मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र खोलना है। तो चलिए मैं सिंपली क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा क्रोम ब्राउज़र खुल गया है। तो सिंपली आपको करना क्या है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो देखिए इसमें एक ऑप्शन दे रहा है सेटिंग्स का। तो आपको दोस्तों सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया है नोटिफिकेशन का, पाँचवें या छठे नंबर पर है नोटिफिकेशन का, देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको सिंपली इस पर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, तो आपके सामने देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो देखिए, यही होती है नोटिफिकेशन को बंद और अलाउ करने वाली सेटिंग्स। तो देखिए, सिंपली जिस पे ब्लू टिक है, ये सब नोटिफिकेशन मेरी ऑन है मोबाइल की, और इसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन है। तो चलिए मैं दो चार नोटिफिकेशन कुछ ऐसी चूज़ कर लेता हूँ जो मैंने अभी ऐड करी थी अपने मोबाइल में, आप लोग को डेमो के लिए समझाने के लिए। तो हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप अपने मोबाइल की सारी नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको ऊपर अलाउ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, उस पर आप प्रेस कर दीजिए, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आना बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें से होता क्या है, कुछ नोटिफिकेशन आपके काम की भी होती है, जैसे जीमेल की होती है और जीमेल से अटैच होता है गूगल अकाउंट। तो बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन होती है काम की, जो आपके काम आती है। तो सिंपली आपको सब तो नहीं बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, बट आपको सिंपली वही चूज़ कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से जो आपके लिए बैड साबित हो रही है। तो सिंपली मैं देखिए करके बता देता हूँ, मैंने दो चार वेबसाइट्स जो चुनी थी वो देखिए मैं करके बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये तीन वेबसाइट्स ली थी, मैं तीनों को देखे, तीनों अलाउ हुए हैं, अभी ब्लू टिक दिखा रहा है, तो मैं इसको सिंपली बंद कर देता हूँ। तो बस दोस्तों, यही है सेटिंग्स,
इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब इन वेबसाइट्स की तरफ से आपको कभी भी, जब तक आप इनको अलाउ नहीं करेंगे तब तक इन वेबसाइट्स की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है परमानेंट, ठप्पा लगा के। तो दोस्तों देखा आप लोग ने कितना आसान है। और दोस्तों लोग, आप लोग पता नहीं क्यों लगे रहते हो, साला होता ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। ये ट्रिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज आप लोग ने फाइनली देखा कि अपने मोबाइल फ़ोन पर कौन सी ऐसी सेटिंग्स की जाए जिससे बैड नोटिफिकेशन ना आए। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।